और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने लगातार पिछले 7 सालों से सेल्स में नंबर वन का रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एचपी के सारे प्रोडक्ट एब्सोल्यूट क्वालिटी के होते हैं। हर प्रोडक्ट का अपना एक प्रॉपर्टी होता है, वो एक अलग तरीके से फायदा देती है। तो हीमोहीम भी उसी में है। हीमोहीम का काम क्या है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम या फिर हिंदी में कह लीजिए प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब अगर कोई बीमारी या फिर कोई बाहरी वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसे हमारे शरीर से बाहर निकाल दे, यानी उसके खिलाफ लड़े। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मान लीजिए कोई धूल या डस्ट हमारे नाक के अंदर चला गया, नाक से होता हुआ हमारे फेफड़ों में चला गया, तो फिर हमारे शरीर की क्या प्रक्रिया होती है? थोड़ी देर में आपको छींक आती है और वो धूल डस्ट बाहर आ जाता है। और इसका प्रोसेस क्या है, अंदर क्या होता है हमारे शरीर के अंदर? जैसे ही हमारे अंदर धूल या डस्ट अंदर गया, हमारे हमारे अंदर एक साइटोकिन नाम का एक प्रोटीन होता है वो एक्टिव हो जाता है। और साइटोकिन ज्यादा नहीं, एक मैसेंजर का काम करता है कि हमारे शरीर में यहाँ प्रॉब्लम है। तो साइटोकिन का काम होता है ये बताना कि हमारे शरीर में कहाँ प्रॉब्लम पैदा हो रही है या कहाँ पर बाहरी वायरस या बैक्टीरिया अंदर गया है। साइटोकिन हमारे इम्यून सिस्टम को बताता है। फिर हमारे अंदर बी सेल टी सेल होते हैं जो किलर सेल कहलाते हैं, मतलब बाहरी चीजों पर हमला करते हैं, उस पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय करते हैं और उसे हमारे शरीर से फिर बाहर निकालने के लिए प्रोसेस करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम होता है हमारे इम्यून सिस्टम का, जिससे कोई बाहरी बीमारी वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर पनपने नहीं पाता है और वो बहुत जल्दी बाहर हो जाता है। अब जैसा कि हमने शुरू में बात की कि आज हम जो पहले की लाइफस्टाइल थी और आज की लाइफस्टाइल में फर्क आ गया है। आज के लाइफस्टाइल की क्वालिटी धीरे धीरे मतलब कह लीजिए इसमें जो चमक दमक है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो इसका क्वालिटी है, जो स्वास्थ्य है हमारा, वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। और इसको ठीक किस किस चीजों से है? सबसे पहली चीज प्रदूषण हमने बात की, फिर हमारे भोजन में जो पोषण की कमी होती जा रही है वो, और फिर एक और नई चीज है ऐड हुई है वो है रेडिएशन। रेडिएशन यानी कि विकिरण, ये सिर्फ परमाणु बम गिरेगा तभी होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसी आज हम बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जो कम या ज्यादा मात्रा में रेडिएशन छोड़ती हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को हार्म करता है। जैसे सबसे पहला है मोबाइल टावर्स हैं, या फिर जो बिजली के बिजली होती है वो भी कम या ज्यादा मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न करती है। फिर हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, और खाना पकाने के लिए हम माइक्रोवेव या ओवन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से इंफ्रारेड लाइट्स हैं, जैसे आप जो सामान को चेक करने के लिए होते हैं तो उसमें भी इंफ्रारेड रेड लाइट का यूज होता है। बल्ब है और अल्ट्रावायलेट रेज यानी सूरज की रोशनी, जो ओजोन परत में छेद हुआ उसके बाद सूरज की रोशनी हम तक डायरेक्ट पहुंच रही है। और जैसा कि आपने सनस्क्रीन के सेशंस में सुना होगा कि अल्ट्रावायलेट रेज 2 तरीके की होती हैं और वो दोनों तरीके की रेज हमें हार्म करती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज ए हमारे स्किन के झुर्रियां लाती हैं, हमारी स्किन को कमजोर करती है जिससे झुर्रियां आती हैं, और अल्ट्रावायलेट रेज बी हमारे स्किन को बर्न करती है, जलाती है, हमारी स्किन के कालापन या स्किन का कैंसर जो होता है वो बी के कारण होता है। और दोनों ही रेज हमारे लिए खतरनाक है। एक्सरे या फिर कई लोगों को कीमोथेरेपी दी जाती है, वहां भी रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आप किसी भी चेकअप के लिए जाएंगे, एमआरआई या फिर और भी चीजों के लिए, वहां पर आपको एक लेजर से गुजारा जाता है जो हमारे शरीर में कम मात्रा में से ही रेडिएशन पैदा करती है। इसके बाद आज एक नया तरीका आया है परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने का, या फिर अलग अलग चीजों का इस्तेमाल, परमाणु ऊर्जा से बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं रेडिएशन वातावरण में फैला रही हैं। और ये सब रेडिएशन कहीं ना कहीं हमारे आसपास मौजूद है और हमें हार्म कर रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है। फिर इसके बाद है पॉल्यूटेंट, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, चाहे आप गाड़ी इस्तेमाल करते हो, चाहे आपके आसपास फैक्ट्री हो, आपके आसपास ना हो, आपके शहर में कोई फैक्ट्री हो, हर रोज बिल्डिंगें बन रही हैं वहां पर भी बहुत सारा पॉल्यूशन पैदा होता है कम मात्रा में,
ही सही लेकिन पैदा होता है, फिर इन्फेक्शन है, हर रोज नए नए वायरस आ रहे हैं, जैसे कोरोना का फिर मात्रा बढ़ना शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं हमें हर तरफ से बीमारियों से घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। अब अगर हम हेल्थ सप्लीमेंट यूज करते हैं तो क्या ये हमारे इम्यून सिस्टम को मदद करते हैं, क्या वाकई में ऐसा होता है? तो हमारे जो शरीर की एबिलिटी है कि ये खुद से अपने बीमारी से क्योर कर सकता है, ये धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ, हम नॉर्मल तौर पर बोले कि अगर मान लीजिए हम हमारे आसपास प्रदूषण नहीं है फिर भी ये धीरे धीरे कम होने लगती है। प्रदूषण, रेडिएशन, इन्फेक्शन इसमें और बड़ी भूमिका निभाते हैं, हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को या हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो अगर हम एक हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं हमारे भोजन के अलावा, जैसा कि हमने बात की कि हमारे भोजन में पोषण धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो उस पोषण को कवर करने के लिए हमें एक हेल्थ सप्लीमेंट लेना जरूरी होता है। तो एक हेल्थ सप्लीमेंट क्या काम करता है? सबसे पहली चीज, ये हमारे अंदर इम्यूनोसाइट्स यानी कि इम्यून सेल, प्रतिरक्षा कोशिकाएं, इनके गिनती में बढ़ोतरी करता है, इनके फंक्शंस को बेहतर करने में मदद करता है, जिससे ये बाहरी बीमारियों से लड़ते हैं। दूसरा, ये हार्मफुल पैथोजन उन चीजों को कहते हैं जो बाहरी होती है हमारे शरीर में, या फिर हमारे शरीर में जो खराब सेल्स होते हैं, या फिर बाहरी वायरस लगने की वजह से जो सेल्स खराब हो सकते हैं, या फिर बाहरी वायरस बैक्टीरिया जो भी हमारे शरीर में आता है, वो सब पैथोजेंस कहलाते हैं, क्योंकि ये हमें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, हमारे शरीर में खतरनाक केमिकल पैदा करते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर को बीमारियां घेरती हैं। तो ये पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ कैंसर सेल। कैंसर सेल का क्या होता है कि ये एक खराब सेल होता है, फिर ये धीरे धीरे करके ये अपनी गिनती बढ़ाते जाता है। इसके बाद ये हमारे अनवांटेड इम्यून रिएक्शंस जो होते हैं उनको ये कम करने में मदद करता है। इम्यून रिएक्शन मतलब इसका पूरा काम क्या है इम्यून सिस्टम का, कि जो भी बीमारी आए उसको रोकने में मदद करे, उससे लड़ने में मदद करे। अगर मान लीजिए आपके शरीर में बीमारी नहीं है लेकिन अनवांटेड रिएक्शन आया, मान लीजिए कहीं जैसे पुलिस का है, अगर कहीं कोई अपराध नहीं हुआ है लेकिन जबरदस्ती किसी ने फोन किया कि सर यहाँ पे कुछ हुआ है, आपने मजाक में किया हो, लेकिन पुलिस तो पहुंचती है, और अगर पुलिस को ये भी है कि अगर आप बार बार मजाक कर रहे हैं पुलिस से कि सर यहाँ पे ये हुआ है, वहां पर पुलिस पहुंची और उसने नहीं देखा कि कुछ नहीं है, तो वो फिर आपको परेशान करेगी। तो बिल्कुल यही हमारे साथ प्रतिरक्षा प्रणाली में होता है कि अगर हमारे शरीर के भीतर इम्यून रिएक्शन सही नहीं है, इम्यून रिस्पॉन्स सही नहीं है, तो गलत इम्यून रिएक्शन होता है, हमारे शरीर में बीमारी नहीं है लेकिन अगर रिस्पॉन्स गलत गया तो वो जो टी सेल या बी सेल हैं वो हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाएंगे, जैसा कि आपने कैंसर में देखा है। आमतौर पर हमें दिखता है कोई बीमारी नहीं होती है लेकिन अचानक से पता चलता है कि हमारे शरीर में कैंसर है, वो गलत इम्यून रिस्पॉन्स का नतीजा होता है। अब हम बात करेंगे हमारे प्रोडक्ट इम्यूनिम की। ये एटमी का शुरुआती प्रोडक्ट में से एक है, और जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तब से ये अपनी बिक्री के रिकॉर्ड बना रहा है। ये एक बोटानिकल मिक्स है, अलग अलग हर्ब्स को मिलाकर के उसका मिक्स बनाया गया है, और ये एक फूड सप्लीमेंट या हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पर लेना है। इसके काम बहुत ऑसम है, ये बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, लेकिन फिर भी इसे ये हेल्थ सप्लीमेंट है ना कि ये दवा है। दवा और हेल्थ सप्लीमेंट में क्या फर्क होता है? दवा आपके पर्टिकुलर बीमारी के इलाज के लिए होता है, हो सकता है उससे बीमारी दब जाए या खत्म हो जाए, लेकिन हेल्थ सप्लीमेंट क्या होता है, ये आपके भोजन का एक हिस्सा है। आपके भोजन से जो पोषण आपके शरीर को मिलना चाहिए या आपके शरीर के सिस्टम का जो काम प्रॉपरली करना चाहिए वो चीज अगर नहीं करती है तो हेल्थ सप्लीमेंट क्या करता है, उसे सही करने में मदद करता है। ये बीमारी मिटाने के लिए नहीं है, ये आपके सिस्टम को सही करने के लिए है। तो अगर आपका सिस्टम सही रहेगा, जाहिर सी बात है बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। तो ये दवा नहीं है, एक हेल्थ सप्लीमेंट है, और हमें लोगों को यही बताना है। तो जैसा कि हमने बात किया, ये एक बोटैनिकल मिक्स है, अलग अलग हर्ब का एक्सट्रैक्ट का एक मिक्स है। एटमी हीमोहिम को 8 साल की रिसर्च में डेवलप किया गया, जिसे कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट केरी
उसके लिए एक प्रोजेक्ट था, ये 1992 में कोरियन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसके तहत अलग अलग चीजें थी, जिसमें एक ये भी था कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि रेडिएशन से, केरी बेसिकली एटॉमिक एनर्जी रिसर्च के लिए जाना जाता है, तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए बात हुई थी जहां पर जो हमें एटॉमिक एनर्जी के रिएक्शन से बचा सके, या उसके रेडिएशन से हमें उसकी हमारे शरीर की रक्षा कर सकते, हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करे, ताकि हमारा शरीर एटॉमिक एनर्जी के रिएक्शन एटॉमिक एनर्जी के रिएक्शन से बच सके। तो इस प्रोडक्ट को डेवलप किया गया और फाइनली ये 2008 में बनकर तैयार हुआ। ये इसमें जो बजट लगा वो इतना बड़ा बजट था कि इससे ये पूरे किसी एक छोटे देश की पूरी जीडीपी हो सकती है, एक साल का पूरा वहां का खर्च हो सकता है। और उसके बाद ये प्रोडक्ट तैयार हुआ और इसमें जो भी इसमें तीन मेन इंग्रेडिएंट है, पहला है एंजेटा गिगस, दूसरा है निडियम ऑफिशनल और तीसरा है पियोनिका जैपोनिका। और तीनों जो इंग्रेडिएंट है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रग एंड फूड सेफ्टी MFDS कोरिया के द्वारा एक सिंगल एक एक प्रोडक्ट, इसका एक एक इंग्रेडिएंट हेल्थ सप्लीमेंट इंग्रेडिएंट के तौर पर जाना जाता है, ये कोरियन गवर्नमेंट से अप्रूव है। और अब जैसा कि आगे देखते हैं कि डेवलपमेंट की स्टोरी कैसे बना, तो जैसा कि हमने बात की केरी एटॉमिक एनर्जी पर रिसर्च करता है, जैसे हमारे यहाँ भाभा रिसर्च भाभा एनर्जी एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर है, उसी तरीके से कोरिया में कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है और वो एटॉमिक एनर्जी पर उसका मेन काम है रिसर्च करना और वहां पर से इसको रेडिएशन के खतरे से बचाने के लिए शरीर को इसे डेवलप किया गया है। और रेडिएशन का जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को या हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया और उस प्रोजेक्ट पर केयरी ने काम करना शुरू किया और इसमें तीन बेसिकली तीन इंग्रेडिएंट का यूज किया, जिसमें एंजेलिका गिगस है, फिर मीडियम ऑफिशनल है और तीसरा है पियोनिका जैपोनिका। इसको एक यूनिक प्रोसेस के थ्रू इसे एक्सट्रैक्ट किया गया और इसका एक फॉर्मूला तैयार किया गया। 8 सालों में केयरी ने इसे तैयार किया गया, 8 सालों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नतीजा है। फिर इसे MFDS मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी ने इसे रिकॉग्नाइज किया। कोलमार बीएनएच ने इसे एक प्रोडक्ट के तौर पर मार्केट के लिए प्रोडक्ट के तौर पर तैयार किया और आज एटमी इससे दुनिया के पूरी दुनिया में 18 देशों में इसे सप्लाई करती है और आने वाले दिनों में ये इन देशों की संख्या बढ़ने वाली है। अब हम उन प्रोडक्ट इसके इंग्रेडिएंट की बात करेंगे हिमोहिन के, पहला एंजेलिका गिगस, दूसरा सीडियम ऑफिशनल और तीसरा है पियोनिका जैपोनिका। और जैसा कि हमने बात किया ये तीनों अलग इंडिविजुअली मतलब अकेले एक हेल्थ सप्लीमेंट का काम करते हैं और इसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड ड्रग एंड सेफ्टी कोरिया के द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये तीनों अगर हम इंडिविजुअली एक हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पर देखते हैं तो ये क्या क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंजेलिका गिगस। ये कैंसर विरोधी एक्टिविटी को बढ़ावा देता है, हमारे स्किन की एज को बढ़ने से रोकता है, फिर रजोनिवृत्त या कह लीजिए जो मेनस्ट्रुअल पीरियड होता है महिलाओं में उसके लक्षणों को बेहतर बनाता है, उसमें सुधार करता है, और फिर इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करने में मदद करता है, फिर जो वेट लॉस के लिए तो ये वजन बढ़ने से रोकता है, फिर हड्डियों में जो भुरभुरी हो जाती है या फिर तो अस्थि तो हड्डियों के जो क्षरण होता है उसको रोकने में मदद करता है, ब्रेन फंक्शंस में बेहतरी लाता है। फिर तीसरा दूसरा जो है निडियम ऑफिशनल है, निडियम ऑफिशनल भी इसी तरीके से कैंसर विरोधी एक्टिविटी में काम करता है हमारे शरीर में, फिर हमारे स्किन में सुधार लाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, हड्डियों के क्षरण में उससे बचाव करता है, ये इन्फेक्शन विरोधी है और हमारे एनर्जी लेवल में को इंक्रीज करता है।
इसके बाद तीसरा जो इंग्रेडिएंट है पायोनिका जैपोनिका, ये हमारे शरीर में कैंसर विरोधी एक्टिविटी को बढ़ाता है, हमारे स्किन में सुधार करता है, डिप्रेशन की स्थिति में ये हमें हमारे काम आता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये एक तरह की प्रॉब्लम है, और इसमें इम्यूनिटी जब हमारी कमजोर हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम जब कमजोर हो जाता है तो अलग अलग तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर करने लगती हैं, जिसमें हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, फिर डायबिटीज एक बड़ा प्रॉब्लम है, और इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज होती है वो है कैंसर, कैंसर भी इसमें आता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आता है, तो ये उनको कम करने में मदद करता है। फिर इसका दर्दनाशक प्रभाव है, ये हमारे जो ब्लड फ्लो है उसमें भी सुधार लाने में मदद करता है, तो ये इंडिविजुअली इतना काम करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि हम इम्यून सिस्टम, हम पूरे हीमोहिम को अगर एक प्रोडक्ट के तौर पर देखते हैं तो ये क्या काम करता है, पूरा हीमोहिम एक हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पर क्या काम करता है। सबसे पहली चीज ये एनके सेल्स को, नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है, ये हमारे बोन मैरो में बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में बनता है, और ये जैसा बी सेल टी सेल हम बात कर रहे हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है, ये हमारे शरीर में आने वाले किसी भी बाहरी तत्व जो हमारे शरीर के फैमिलियर नहीं होता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसके बाद इसका दूसरा काम है एक्टिवेट इम्यून सेल, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर रूप में काम करने वाले सेल्स को ये एक्टिवेट करता है, और ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा सिस्टम को यानी कि बीमारियों से लड़ने वाले सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करता है। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा है वो है क्रिएट साइटोकिन्स। साइटोकिन्स के बारे में हमने जैसे अभी बात की, ये एक मैसेंजर के तौर पर काम करता है, ये हमारे शरीर में बताता है कि हमारे शरीर में प्रॉब्लम कहाँ पर है, या कोई बाहरी चीज चाहे वो वायरस हो बैक्टीरिया हो वो हमारे शरीर में कहाँ पर है, या कोई प्रॉब्लम हमारे शरीर में कहाँ पर है। ये छोटे छोटे प्रोटीन के पैकेट होते हैं और हमारे शरीर में अलग अलग जगह बनते हैं, ये एक ही तरह का नहीं होता, ये तीन चार तरह के होते हैं जो हमारे शरीर में बताते हैं कि प्रॉब्लम्स अलग अलग जगह पर, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ जाकर के अलग तरह का साइटोकिन बताता है कि हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम है और यहाँ पर है, और फिर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और उस प्रॉब्लम को सही करने में और बीमारियों को बाहर करने में लग जाता है। CRI कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट अमेरिका लैब में अलग अलग तरह के साइटोकिन्स बना रहा है, ये कम से कम 3 साइटोकिन्स के नाम मैंने पढ़े हैं वहां पर, जो अलग अलग तरह के कैंसर को ठीक करने में मदद करेगा बिना बहुत लंबी दवाई के, और ये तरीका कारगर बनाने के लिए काम किया जा रहा है ताकि साइटोकिन्स का वो साइटोकिन्स बाहर से दिया जा सके हमारे शरीर को, और वो हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून रिस्पॉन्स को सही करके हमारे शरीर के अंदर कैंसर विरोधी वातावरण तैयार करे और हमारा शरीर कैंसर से स्वस्थ हो सके, तो ये अलग से तैयार किया जा रहा है, और हीमोहिम ये आपके शरीर में ऑटोमेटिकली तैयार करने में मदद करता है ताकि आपके शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स सही रहे, और अगर इम्यून रिस्पॉन्स गड़बड़ होता है तो आपने कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनका बीमारी तो ठीक हो गया लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स गलत होने के कारण, साइटोकिन्स स्टॉर्म के कारण वो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाए, अचानक से प्रॉब्लम आई और वो डेथ कर गए, इसलिए शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स भी सही होना जरूरी है। तो ये सब चीजें हीमोहिम करता है। अब हीमोहिम आप किसे दे सकते हैं या हीमोहिम कौन कौन यूज कर सकता है, तो सबसे पहली चीज वो लोग जिनको शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी हो, एथलेटिक्स हो या फिर नॉर्मल डेली लाइफ में काम करने वाले लोग जिन्हें बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, उनके लिए हीमोहिम सही है, क्योंकि ये एक तो जैसे हमने बात की कि इसमें जो मीडियम ऑपरेशनल है हमारे मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, फिर इसमें हमारे एनर्जी लेवल में ये एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है। इसके बाद दूसरा है हाउसवाइफ, क्योंकि भले हमें लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा काम नहीं है लेकिन वो बहुत काम करती हैं और दिन भर उन्हें शारीरिक थकान होने लगती है, तो ये शारीरिक थकान को दूर करता है और एनर्जी लेवल को बेहतर बनाता है।
इसके बाद जो जो मानसिक काम करते हैं, जो लोग भी मानसिक काम करते हैं उनको भी थकान महसूस होती है, चाहे आप ऑफिस में काम करें, स्टूडेंट हों या फिर अदर कहीं पर भी जो बैठ करके काम करते हैं, एक ही काम करते करते उनको या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है सर पे ऑफिस का काम करते हुए, तो जिन्हें मानसिक थकान भी होती है उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि इसमें जैसे मीडियम प्रोफेशनल की बात की गई या फिर पायोनिका जेपोनिका या फिर एंजेलिका गिगस, ये तीनों एक तो एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं और फिर जो हमारे ब्रेन फंक्शन है उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स इन्हें जिन्हें स्टेमिना की बहुत ज़रूरत होती है पढ़ाई लिखाई में भी और खेलकूद में भी, और उसके बाद हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्हें एनर्जी लेवल की ज़रूरत होती है, और जैसा कि हमने शुरू में बात की हमारा इम्यून सिस्टम समय के साथ साथ, हमारे शरीर का कोई भी फंक्शन हो समय के साथ साथ अगर हम प्रदूषण में नहीं है फिर भी वो धीमे पड़ने लगते हैं, तो उसे सिस्टम को एक्टिवेट रखने के लिए हमें ये बड़े बुजुर्गों को भी देना चाहिए। अब ये हिमोन की शॉर्ट में स्टोरी है कि इसे कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट केरी ने डेवलप किया है और मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी ने इस प्रोडक्ट को, इस पूरे प्रोडक्ट को हिमोहिम को नंबर वन इंडिविजुअली प्रोडक्ट के तौर पर अप्रूव किया है, और ये जैसे कि हमने बात की पिछले 7 सालों से लगातार 7 सालों से 2015 से लेकर 2021 यहाँ तक कि 2022 में भी ये सेल्स में नंबर वन रहा है। हिमोहिम में तीन इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं, एंजेलिका गिगस, पायोनिका जेपोनिका और मीडियम ऑफिशनल, जिसमें से एंजेलिका गिगस की बात करें तो इससे एक ऊंची जगह पे मतलब समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है, और इसे जब उगाया जाता है तो वहां पर इको फ्रेंडली वातावरण होता है, वहां पर किसी भी तरह का हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड केमिकल वाला यूज नहीं किया जाता है, कोई भी केमिकल इसके पैदा करने में, इसके इसको फिर काटने में या फिर इसकी पैकेजिंग में कहीं भी किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं किया जाता है, यानी कि पूरी तरीके से नेचुरल है। इसके बाद ये 18 कंट्री में सेल हो रहा है, ये 18 कंट्री में अभी 25 कंट्री हैं हमारे पास, जिसमें से ऑफिशियली ये 18 कंट्री में बेचा जा रहा है, और इसके पास पूरी दुनिया में लगातार 4 कंट्रीज हैं, कोरिया, अमेरिका, जापान और यूरोप, यहाँ पर इसके पास 21 पेटेंट्स हैं, जो कि हमारे लिए बहुत 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 गर्व की बात है। तो ये हुआ एटमी हिमोहिम, और खत्म करने से पहले जैसे कि हमने बात की, चूंकि हमारे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है हमारे भोजन में पोषण की कमी होती जा रही है, इसलिए हमारे शरीर जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, या हमारे शरीर में पोषण की कमी की वजह से हमारे फंक्शन कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो अगर हमें वो सारे फंक्शन हमारे शरीर को बेहतर रखना है तो हमको हेल्थ सप्लीमेंट लेने की जरूरत है, हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना है, हमको एटमी हिमोहिम समय समय पर लेने की जरूरत है, और जैसा इसे लेने का है तो अगर आप स्वस्थ हैं तो इसे 4 पैकेट जिसमें 1 पैकेट में 60 पाउच होते हैं इसे लेना है, सुबह और शाम एक पाउच लेना है, आप इसे पानी के साथ ले सकते हैं या फिर ये लिक्विड होता है आप इसे ऐसे ही पी सकते हैं, ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा, आपको काफी जानकारी मिली होगी और ये जानकारी आप खुद भी इस्तेमाल करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट यूज कर सकें, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। तो मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच शारदा सर।